आलिया रंधावा थी अंदर, उनकी डिलीवरी हो गई। सुनिए, आप लोग आलिया रंधावा की फैमिली से हैं? जी, मैंने ही कॉल किया था आपको। चलिए हम आपको लेके चलते हैं। मैं भी चलूंगा। खत्म हुई अरमान और आसमा की दास्तां, क्या होगी अब शो की कहानी? शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि अरमान और आसमा, जो कि एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, अब वो अलग हो चुके हैं। अरमान नशे में धुत है क्योंकि उसे लगता है मेरी बीवी आसमा ने मुझे धोखा दिया है। आसमा जो है वो अरमान को अब कुछ नहीं समझ पा रही है क्योंकि उसे लगता है कि अरमान ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। आलिया रंधावा थी अंदर, उनकी डिलीवरी हो गई। सुनिए, आप लोग आलिया रंधावा की फैमिली से हैं? जी, मैंने ही कॉल किया था आपको। चलिए हम आपको लेके चलते हैं। मैं भी चलूंगा। जबकि वो सबका ये दुख झेल सकती थी कि कोई उस पर विश्वास ना करे, उसे चलेगा, लेकिन अगर अरमान, उसका खुद का पति, उस पर विश्वास ना करे तो ये कैसे चलेगा। यहाँ पर आसमा जो है अपनी नई जिंदगी का सफर शुरू कर रही है, कुछ जगह पर काम करना शुरू करती है ताकि थोड़े पैसे आए और अपने बच्चों को वो देख सके, इन फ्यूचर उसे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए वो ये सब कर रही है। अरमान देख लेता है आसमा को बस में बैठा हुआ। वो इतना ज्यादा नफरत करने लगा है कि नशे में ही खड़ा होता है, जैसे तैसे लड़खड़ाता हुआ, और आसमा की बस का पीछा करता है। यहाँ पर आसमा भी जब अरमान को देखती है तो वो सोचती है, मैं से क्या बात करूं, ये तो विश्वास ही नहीं है, कुछ नहीं है, तब कुछ बचा ही नहीं है। तो ऐसे में ये साफ है कि अरमान और आसमा के रास्ते बदल चुके हैं, इन दोनों की जिंदगी बदल चुकी है। आलिया जो कि अरमान के साथ अपना वक्त बिताना चाहती थी, वो अब भी जो है कोशिश में लगी है, लेकिन अरमान की वो हालत ही नहीं है। खैर गाइस, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।